नमस्ते दोस्तों, बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में 240 सीट लाई। हाँ, बीजेपी भी अपने दम पर 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाई है, ये तो एक सत्य है। लेकिन बीजेपी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। 2014 में भी बीजेपी नंबर वन पार्टी थी 282 सीट के साथ, 2019 में भी 303 सीट के साथ बीजेपी सबसे नंबर वन पार्टी थी, और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी 240 सीट के साथ उभर के आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हार गई है, बीजेपी के खिलाफ जनादेश है। पहली बात तो जनादेश बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनादेश बीजेपी अपने कुछ साथी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी एनडीए के नाम पे, और एनडीए को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है। अब देखिए, 1991 के बाद पहली बार 2014 में कोई भी पार्टी ने अपने दम पर बहुमत पाया था, 2019 में भी दोनों बार बीजेपी ने पाया था। लेकिन इस बीच जो भी लोकसभा चुनाव हुए 91 से लेकर के 2014 के बीच, किसी भी पार्टी ने 240 तक का भी आंकड़ा नहीं छुआ था। इनफैक्ट 2004 में तो 145 के आसपास कांग्रेस लाई थी और उन्होंने अपना सरकार बनाया था। 2009 में भी 206 के आसपास कांग्रेस लाई थी और कहा गया था कि कांग्रेस ने तो बड़ा अच्छा नंबर ले आया है, फिर से उन्होंने अपना सरकार बनाया था। पर बीजेपी जहां 240 लाई है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हार गई। ये जो बेसलाइन शिफ्ट हो जाता है ना, यही अगर 2014 में दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी 2014 में अगर 240 सीटें बीजेपी ले आती तो कहते बीजेपी की तो आंधी है। जहाँ बीजेपी 2009 में 118 सीट के आसपास लाई थी, वहीं 2014 में 240 सीटें ले आई, ऑलमोस्ट डबल, आंधी है। ये सारे गठबंधन जो बने, ये मिलके उतना नहीं लाई है जितना बीजेपी अपने दम पर लाई है। बीजेपी अपने दम पर 240, और ये सारे गठबंधन जिसमें कब कौन इंडी गठबंधन का पार्ट है और कब कौन इंडी गठबंधन का पार्ट नहीं, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि 234 अगर इंडी गठबंधन है तो ममता बनर्जी की पार्टी TMC अपने दम पर ये इलेक्शन लड़ी है, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया है। तो अगर ममता बनर्जी की पार्टी को हटा दे दो उनकी 29 सीट, तो इंडी गठबंधन के पास तो मात्र 205 सीट बच जाती है। लेकिन आज इंडी गठबंधन की मजबूरी है कि उन्हें ममता बनर्जी का साथ चाहिए, तो आप कह रहे हैं हम 234 पे हैं। खैर ठीक है, ये उनकी बात है। लेकिन फिर भी 234 लाने के बाद भी इंडी गठबंधन 240 का जाद को पार नहीं कर पाई, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लगातार तीसरी बार। कुछ लोग खुश हैं कि मोदी जी तो अब नहीं आएंगे, और कुछ लोग दुखी है कि मोदी जी अब नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 240 सीट के बाद जो बीजेपी ने जिनके साथ प्री पोल अलायंस किया था, वो आज भी दृढ़ता से उनके साथ तो खड़े हैं फिलहाल। तो मोदी जी तो फिर से आ रहे हैं, और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसने अपने 2 कार्यकाल पूरे 5 साल कंप्लीट किए, वो तीसरी बार भी चुन कर आ रहा है। 60 साल के बाद ऐसा हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू कर पाए थे, अब मोदी जी करने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात तो है। हाँ, कुछ स्टेट में बीजेपी को नुकसान हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या बंगाल की बात करें, बीजेपी उतनी अच्छी नहीं कर पाई। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी बुरा हाल है, क्योंकि अयोध्या जो जनवरी से क्या पूरे 5 साल काफ़ी चर्चित रहा, वहाँ से बीजेपी हार गई है। बीजेपी को इस पे तो मंथन करना ही चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे राज्य है जैसे ओडिशा, बीजेपी पहली बार अपनी सरकार वहाँ बनाने जा रही है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए आज भी लोगों में वो सेंटिमेंट्स तो है। एक बात मानना होगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेकर के लोगों ने काफ़ी नफरत फैलाया, डिक्टेटर, तानाशाह, अपने मन से जो मन वो करता है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में देश की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम किया है, ये लोग भूल जाएंगे। वो लोग पढ़े लिखे गवार हैं, वो नहीं देखेंगे कि देश में रेलवे में कितना काम हो गया है, रोडवे में कितना काम हो गया, हाईवेज में कितना काम हो गया है। ये तो वो टट्टी का वीडियो देखेंगे जर्मन में बैठा हुआ, बोलेंगे रोडवे हाईवे की क्या जरूरत है, और बोलेंगे हाँ आग बंद कर लो, कि मोदी जी अगर कहीं 240 की जगह 340 ले आते तो तानाशाह बन जाते, इसलिए मोदी जी पे लगाम लगाओ। और मोदी जी पे लगाम लगाने से आपने पता है किस पर लगाम लगाया है, आपने देश की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम की है। आपने एक अस्थिर गवर्नमेंट दी है फिलहाल, क्योंकि अब जो भी डिसीजन होगा वो 2-4
पार्टी से सोच समझ के ही लेना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई डिसीजन उतनी तीव्रता से तो फिलहाल नहीं ले सकते हैं, तो इससे क्या फायदा हुआ। और जो इंडी गठबंधन है वो तो ऐसे भी सरकार नहीं बना पा रही है, आपने बहुत कोशिश किया बट सरकार तो उनकी बन नहीं रही है, और अगर बन भी जाती तो वो सरकार आपको पता है देश के लिए कितना फायदेमंद होता। खैर, तो फिलहाल तो यही है कि मोदी जी तो आ गए हैं और मोदी जी सरकार बना भी रहे हैं। अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 240 को कैसे 272 तक पहुंचाया जाए। अमित शाह का आपको क्या लगता है, ऐसे चुपचाप बैठने वाले तो वो है नहीं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। खैर, अब देखने की बात तो है, लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात है ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेज प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, जिनकी क्वालिफिकेशन का कोई अता पता नहीं, उन पर लोग कुछ नहीं कह रहे, मात्र 4 सीट जीते हैं। लालू प्रसाद की पार्टी मात्र 4 सीट जीते हैं और वो 240 वाली सीट को नैतिकता सिखा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली से साफ हो गई दोस्तों, साफ 7-0। ये उन पार्टी के साथ जुड़ी थी जिनके खिलाफ ये खड़ी हुई थी, पैदा हुई, कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया, क्या फायदा हुआ, 4 सीट में लड़े, 4ों सीट हार गए। इनकी कोई नैतिकता नैतिकता नहीं बनती है, ये अभी भी कुर्सी लेकर के तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, उनकी कोई नैतिकता नहीं है, वो अपना मस्त तिहाड़ जेल में बैठे रहेंगे, चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, और ये पढ़े लिखे अनपढ़ गवार कहेंगे कि नहीं, मोदी जी 240 में रुक गए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा आदमी तिहाड़ जेल में कुर्सी लेकर के बैठे रहे, दिल्ली गढ़ में चले जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है। और सुनिए, ये 240 लाने वाले में आप जैसे कि उद्धव ठाकरे, उन्होंने 10-11 सीट लाया है, तो संजय राउत कह रहे हैं कि अरे भैया मोदी जी तो को रिजाइन मार देना चाहिए। अच्छा, एनडीए को बहुमत है, पूर्ण बहुमत, सिर्फ बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत, और बहुमत से भी 20-21 सीटें ज्यादा है। मोदी जी के नेतृत्व में 240 सीटें आई हैं जो कि कांग्रेस पिछले 3 दशक से नहीं लाई है, और कांग्रेस की सीटें कितनी है, 99। नंबर 1 पार्टी है बीजेपी, 240 सीटें बहुमत से 32 का, नो डाउट। नंबर 2 पार्टी है कांग्रेस जो कि बीजेपी के आधा से भी कम, 99, 100 भी नहीं। समाजवादी पार्टी 3रे नंबर में जो कि कांग्रेस के आधा से भी कम, 37, उससे थोड़ा कम है ममता दीदी की पार्टी 29 पे, उससे थोड़ा कम है डीएमके स्टालिन की पार्टी 22 पे, फिर उससे थोड़ा कम है 16 पे टीडीपी, फिर 12 पे जेडीयू, एंड फिर 10, 9, 11, 8, 1, 2 सीटें हैं सबकी। ये आम आदमी पार्टी मात्र 3 सीट लाई है पूरे इंडिया में, और ये कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को सबक सिखा दिया, जनता ने मोदी जी को सबक सिखा दिया, जनता ने तो आपको दिल्ली में नकार दिया, इतना माहौल बनाने के बाद भी नकार दिया, और पूरे इंडिया में 3 सीटें जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही पंजाब में, उसके बावजूद 3 सीटें, और वो एक अमृतपाल सिंह वो इनको हरा देता है, और ये कह रहे हैं कि रिजाइन कर देना। रिजाइन तो कायदे से अरविंद केजरीवाल जी को अब तक कर देना चाहिए था, दिल्ली तो उसने 1 सीट नहीं दी है, यानी दिल्ली के लोगों का तो सेंटीमेंट नहीं है फिर आपके साथ। तो ये बात है दोस्तों, और एक बात बताता हूं, ये देखिए, ये एक लड़का है जो पिछले 10 साल से फेल करता आ रहा था, अचानक से ये इस बार वो 10th बोर्ड में पास कर गया है, सिर्फ पास किया है, उसके घर वाले एकदम मस्त धूमधाम से जश्न मना रहे हैं। ठीक इसी तरह से कांग्रेस में भी एक लड़का है, अभी भी लड़का है, जो कि पिछले 10-15 साल से कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री बनने का, और अभी भी वो 100 के आंकड़ा को भी पार नहीं किया है, और उसके लोग भी ऐसे ही जश्न मना रहे हैं कि बच्चा पास कर गया, और यहाँ पर एक टॉपर 95% की जगह 92% ले आया है, और कह रही तो फेल कर गया, जिसने कठिन परिश्रम की, दिन रात परिश्रम की, देश की अर्थव्यवस्था को 12वीं से 5वीं में लाया, जो एयरपोर्ट की संख्या देश में दुगनी कर दिया, जो रोडवेज की संख्या को दुगनी कर दिया, जो यूपीआई ला करके फ्रांस से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूएस तक को दिखाया कि डिजिटल पेमेंट कैसे की जाती है, वो क्योंकि 272 नहीं ला पाया, नंबर 1 पोजीशन पे 240 लाया, वो हार गया। तो ऐसे पढ़े लिखे गवार के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम समझा भी नहीं सकते हैं, ये तो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड लोग हैं। पर हाँ, जिन लोगों ने अपना समर्थन जारी रखा, एक राष्ट्रहित में जा करके एक जनादेश दिया है,
और एनडीए की सरकार आ रही है और फिर से एक बार मोदी सरकार आ रही है, उन सारे देशवासियों को भारी शुभकामनाएं। जय हिंद।